नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि 2023 में मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी, स्नान और दान का महापुण्य समय कब होगा, और सूर्य को अर्घ कैसे प्रदान करें और कौन से मंत्र का जाप करें। साथ में एक छोटा सा उपाय जो आप और आपके परिवार को सुख और समृद्धि प्रदान करें। सूर्य का एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश को ही संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। नए साल के शुरू होते ही मकर संक्रांति का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के बाद सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन सूर्य को अर्घ प्रदान करना, सूर्य के मंत्रों का जाप करने से कुंडली के सभी दोष दूर होते हैं, साथ ही सूर्य और शनि देव की भी कृपा प्राप्त होती है। 2023 में मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी दिन रविवार के दिन मनाया जाएगा। स्नान दान और पूजा का शुभ समय है 7:15 से 12:30 तक, और महापुण्य काल का समय है 7:15 से 9:15 तक। मकर संक्रांति के दिन सूर्य की पूजा और उनके मंत्रों के जाप करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर है तो वो अपनी कुंडली खोलकर देखे कि सूर्य किस नंबर पर बैठे हैं, उतने ही बार उतनी ही माला सूर्य के मंत्रों का जाप करने से सूर्य मजबूत होते हैं। और सूर्य के मंत्र बहुत ही आसान है, ओम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र को हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहें तो वहां से भी देखकर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन सुबह स्नान करके सूर्य को अर्घ प्रदान करता है, उनके मंत्रों का जाप करता है, तो सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन शुभ समय पर स्नान करें। अगर आप मकर संक्रांति के दिन किसी नदी, संगम, गंगा सागर या गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही सर्वोत्तम है, किंतु जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो लोग अपने बाल्टी के पानी में थोड़ा सा गंगा जल, काला तिल मिलाकर स्नान करें। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक तांबे के लोटे में जल लें, उसके बाद उसमें अक्षत, गुड़, लाल पुष्प, चंदन, ये सब, काला तिल, ये सामग्री डालकर और सूर्य देव को अर्घ प्रदान करें और मन में उनके मंत्रों का जाप करते रहें। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर एक बहुत ही आसान सा उपाय जो आप और आपके परिवार को सुख और समृद्धि प्रदान करेगी। मकर संक्रांति के दिन जो भी घर में बड़े सदस्य हैं, वो लेडी जेंट्स कोई भी हो सकता है, वो अपने मुट्ठी में एक मुट्ठी काला तिल लें और अपने परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर से 7 घुमाकर और उसे उत्तर दिशा में फेंक दें। ऐसा करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। इस दिन आप लोग स्नान दान और सूर्य आराधना कर भगवान सूर्य के आशीर्वाद को प्राप्त करें। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।